हिंदी सत्र की शुरुआत करते हैं। तो सभी का स्वागत है। नमस्ते कुमार भैया नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। जी। ये गृह कार्य हम लोगों ने कल लिया था अभ्यास दो के तहत, तो अभी हम अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और मूलतः चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और इसी क्रम में जड़ को समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टेप वन में मैं और शरीर, ये दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया, और स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है इसको देख रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ और शरीर में संवेदनाएं होती हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ। संकेत देने का और संवेदनाओं को पढ़ने का, ये दोनों निर्णय मेरा है और ये मैं आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार करता हूँ। इसको लेकर हम लोगों ने कल ये असाइनमेंट लिया था, स्वयं द्वारा शरीर को दिए जा रहे संकेतों को देखना है। क्या मैं ये संकेत हर क्षण दे रहा हूँ या कभी कभी? शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना है, क्या मैं इन संवेदनाओं को हर क्षण पढ़ रहा हूँ या कभी कभी? क्या मैं शरीर में होने वाली हर संवेदना को पढ़ रहा हूँ या उनमें से कुछ को? इन संवेदनाओं को पढ़ने का आधार क्या है? दिन में किसी समय किसी कार्य को धीमी गति से करना है और देखना है मैं और शरीर में किस तरह से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, जिसे आज दिन भर देखना है। तो पहले दोनों मुद्दों पे कल हम लोगों ने चर्चा की थी, कई सारे रिफ्लेक्शंस भी आए थे। ये जो तीसरा भाग है, इस पे अगर आपने कल कुछ अभ्यास किया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, इससे कुछ आपको निष्कर्ष मिले हों, कुछ बातें ध्यान में आई हों तो आप हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया एक मुझे जब मैं कल इस तथ्य पे ध्यान दे रही थी, जैसे ये हुआ था कि हर समय जो हमारा शरीर है वो शरीर का की जो जितनी कोशिकाएं हैं ये हर समय कोई न कोई संवेदना रखती रहती है, इसका आदान प्रदान करती रहती है। तो मुझे एक पुराना तथ्य ध्यान में आया। कुछ सालों पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे उस समय एनेस्थीसिया दिया गया। तो उस एनेस्थीसिया से मेरा पूरा जो बॉडी का लोअर पार्ट था बैक से पूरा नीचे और उसका असर ऊपर भी आया तो पूरा बिल्कुल सुन्न हो गया था। वो मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था क्योंकि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था। तो उसमें इतना पैनिक हो गई थी, मुझे ये समझ नहीं आया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं हूं भी कहीं या नहीं। बिल्कुल काफी पैनिक स्थिति हो गई थी। तो ऑपरेशन के दौरान काफी कॉम्प्लिकेशंस आई थी उस वजह से। तो जब मैं कल सोच रही थी तब मुझे इस बात पे ध्यान गया मेरा कि हर समय हमारा शरीर जो संवेदनाएं करता रहता है हर समय, ऐसे नहीं पता चलता जब हमें जरूरत लगती है या कोई कोई विपरीत परिस्थिति आती है तभी हमारा उस तरफ ध्यान जाता है। लेकिन समय मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था उस समय। मुझे अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर समय ये जो एहसास रहता है कि हाँ मैं शरीर में हूँ, ये भी एक तरह की संवेदन ग्रहण होती रहती है। कुछ न कुछ कोशिकाओं में हर अंगों से ग्रहण होता रहता है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये एहसास भी रहता है कि हाँ ये हमारा शरीर है, ये हमारा पैर है, ये हमारा हाथ है। वो चीज जब सुन्न हो जाती है, जब पूरी वहां से जो जो वेन्स है जो दिमाग में वो लेके जाती है इंफॉर्मेशन, जब उसका कनेक्शन कट जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता है वो भी काफी पैनिक वाली स्थिति क्रिएट करती है। और ये मैं पूरे दिन धीरे धीरे ऑब्जर्व कर पाई, कई बार दिन में ध्यान गया कि कैसे मैं जो हूँ वो अपने शरीर को कमांड देती, स्टेप बाय स्टेप देखा कि चलना है, एक पैर उठाओ दूसरा पैर उठाओ। तो ये कल मैं देखने में दिन के कई समय पे मैं सक्षम हो पाई। तो भैया यही छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था जो मुझे ध्यान आया, जो मैं इतने दिनों के बाद रिलेट कर पाई कि तब मैं इतना क्यों घबरा गई थी। तब शायद मुझे अगर इस तथ्य का ज्ञान होता कि मैं भी अलग अलग है तब मैं इतना ना घबराती शायद। तो बिल्कुल यही मुझे शेयर करना था क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी ऑपरेशन में उस टाइम पे, सिर्फ बढ़िया घबराने की वजह से दीदी बीपी काफी शूट हो गया था जी भैया। जी। इनफैक्ट हम थोड़ा अवेयर रहे हैं और हमें हर क्षण अगर ये पता रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ और शरीर जड़ है, इसमें तो जड़ क्रियाएं हो ही रही हैं, तो पाएंगे कि बहुत सारा जो भाव विचार है हमारा, जो अपने आप को शरीर मानकर उत्पन्न होता है, उससे हम मुक्त रहते हैं ना। फिर ये जो
शंका भय है, घबराहट है, शरीर में कुछ हुआ तो मुझे भी कुछ हो जाएगा, ये जो भय है, मूल भय है, तो इससे हम बाहर रहते हैं। और ऐसी घटनाएं जब होती हैं हमारे साथ, उसमें हमारा ध्यान भी ठीक से जाता है। अब इसको ही अगर हम सहज भाव से देखने का प्रयास करें तो हम अपने दिनचर्या में भी देख सकते हैं। और शरीर का जो सुन्न होना है वो अनिश्चितता के साथ भी होता है, इन जनरल भी हो सकता है। जैसे आप अभी पालथी मार के बैठ जाएं या कोई एक पोस्चर सुन के बैठ जाएं और आप पैर खोले नहीं, आधा घंटा एक घंटा बैठे रहें, आप आएंगे थोड़ी देर में शरीर सुन्न होने लगता है। शरीर का जो भाग सुन्न हो जाता है उसको अगर आप वहाँ पे अगर आप थोड़ा चुभोएं अपनी उंगलियों से ही, तो एक अलग तरह की संवेदना मिलेगी, तो आपको दिखाई देगा कि शरीर में अभी समान रूप से जो संवेदना आ रही है ना, वो एक प्रकार से है। और यदि ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, कोई केमिकल का स्राव बाहर से किया जाए, तो एक अलग तरह की संवेदना आती है। और ये संवेदना शरीर में है, मुझ में नहीं है ना, इस संवेदना को मैं पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार। और इसको पढ़ते हुए आपको धीरे धीरे और स्पष्टता बनने लगती है कि शरीर से मैं किस प्रकार भिन्न हूँ। बढ़िया। और ये भी हम लोग देखें, इसको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्या हमने कल ये अभ्यास किया था कि कोई कार्य करते समय उसको हम धीमी गति से करें, और फिर देखें है ना कि कैसे मेरा निर्णय हो रहा है। मैं चल भी रहा हूँ तो पैर उठा रहा हूँ, पैर उठाने का निर्णय मेरा है। मैं बैठा भी हूँ तो बैठकर पीठ सीधी रखने का निर्णय मेरा है। मैं खा भी रहा हूँ तो मैं इसको निर्णय पूर्वक देख सकता हूँ कि मैंने हाथ को भोजन में डाला, फिर हाथ को उठाया, फिर मुंह में डाला, फिर मुंह को चलाया, फिर भोजन अंदर गया। एक बार अंदर गया फिर वो शरीर पचाने का काम कर रहा है, ठीक है, मेरी स्वीकृति भर बनी हुई है कि हाँ भोजन पच जाए, ठीक है ना, तो उतना शरीर कर रहा है। परंतु ये जो मैं अपने कर्मेंद्रियों से कर रहा हूँ, यानी हाथ पैर इत्यादि से, मुंह से जो कर रहा हूँ, ये सब तो मेरे निर्णय से ही हो रहा है। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे क्या है, जो हमारा ये बेहोशी में जीने का अभ्यास है, जिसमें हमको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना, इससे हम बाहर निकल पाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर क्या कर रहा है, मेरे और शरीर के बीच क्या हो रहा है, इसको हम ठीक ठीक देख पाते हैं। और किस तरह से मेरा निर्णय काम कर रहा है इस तरह की सारी हरकतों में, इसको करने का अभ्यास करें। एक उपयोगी अभ्यास है। इसमें आप पाएंगे जैसे हम में से कई साथियों का अभ्यास ऐसा भी हुआ कि कुछ चीजें हम बहुत तेजी से करने के अभ्यस्त होते हैं, है ना, खासतौर पे कुछ साथी हो सकता है वर्कहोलिक हो, बहुत ज्यादा काम करते हो और काम करने में बहुत चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हो। तो अगर आप किसी कार्य को धीमी गति से करने का अभ्यास करेंगे तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, और चूंकि आपने पहले ही अभ्यास एक किया हुआ है तो आप हो सकता है कार्य को धीमी गति से करते हुए शरीर से आने वाली संवेदना को भी पढ़ पाए, ठीक से देख पाए, अपने निर्णय को देख पाए, और जो आपके अंदर भाव बना हुआ है, विचार चल रहा है, उसको भी देख पाए। तो किस तरह से आप भाव का निर्णय करते हैं, किस तरह से संवेदना को पढ़ने का निर्णय करते हैं, किस तरह से शरीर को संकेत देने का निर्णय करते हैं, उन सारी वास्तविकताओं को आप देख पाएंगे। बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरे दो एक शेयरिंग है और एक प्रश्न है। शेयरिंग ये है कि एक तो मैंने कल जो आपने कहा था कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको धीरे करें और फिर ऑब्जर्व करें कि कैसे कैसे हम मतलब आदेश दे रहे हैं बॉडी को, बॉडी सूचनाएं ग्रहण कर रही है और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो ये कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हुए मैंने किया था तो मैं देख पाई थी कि हाँ मतलब किस तरह से संदेश जा रहे हैं, किस तरह से बॉडी फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले रही है या शरीर में हरकत हो रही है। लेकिन यहाँ उससे ज्यादा मतलब पिछली बार भी मुझे ये चीज ध्यान में आई थी और इस बार मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे जो है वो बॉडी पेन रहता है, मतलब कंप्लीट बॉडी में पेन रहता है, हमेशा रहता है। और कुछ समय पहले यानी जब से मैं विद्या और यूएचपी से जुड़ी
उससे पहले मैंने बर्ड फोटोग्राफी का काम बहुत जुनून की हद तक किया है। और जनरली मतलब ये होता है कि अगर मैं कुछ देर काम करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं फोटोग्राफी करने जाती थी तो मतलब 3-4 घंटे तक जब मैं उसमें पूरी तरह से मशगूल होती थी तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा ध्यान मेरे पेन की ओर बिल्कुल नहीं जाता था। मुझे अपना दर्द जो है वो मतलब लेश मात्र भी जिसको कहना चाहिए महसूस नहीं होता था। तो वो चीज जब मैं ये एक्सरसाइज जब मैंने फर्स्ट में मतलब पिछले मॉर्निंग सेशन में जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तब ये ऑब्जर्व किया, और इस बार भी मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि इन संवेदनाओं को जो शरीर के द्वारा जो संवेदनाएं ग्रहण की जा रही हैं उनको देखने का, उनको ग्रहण करने का या समझने का जो काम है वो मैं द्वारा किया जा रहा है। शरीर को संवेदनाएं मिल रही हैं, उस तक वो संवेदनाएं मुझ तक पहुंचती हैं, मैं उनको देखने का उन पे रिएक्ट करने का निर्णय लेती हूँ, ये चीज मैं देख पाई। अब दूसरी बात जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज की, पिछली बार भी मैं अटकी थी और इस बार भी मैं उसी में अटकी हुई हूँ, और लगातार 3-4 दिन से मैं इस चीज को सोच रही हूँ। उसमें मैं मेरा जो सवाल बन रहा है और अपनी तरफ से मैं जो जवाब देख पाई हूँ वो ये कि हमने हमारी वर्कशॉप में भी सुना है और व्यवस्था के रूप में भी देख पाते हैं, तो जड़ शरीर जो है मेरा उसमें अपने आप में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत शरीर की प्रत्येक कोशिका और प्रत्येक अंग कार्य कर रहा है। ये मैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के बारे में कह रही हूँ। तो जो शरीर की कोशिकाएं पहचानना और निर्वाह करना के आधार पर काम कर रही है उसमें मेरा जो रोल है या सेल्फ का जो रोल है इतना हो सकता है कि मैं शरीर को नष्ट नहीं करने का निर्णय लिए हुए हूँ, इसलिए वो सारी प्रक्रियाएं शरीर की कोशिकाएं या शरीर के जो अंग हैं वो कर पा रहे हैं। तो उसमें जैसे सेल कोई भी है उसका ये काम है कि ब्लड के थ्रू उसको ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन लेके माइटोकॉन्ड्रिया में उसका जो भी प्रोसेस होना है, एटीपी से एनर्जी लिबरेट होनी है या एटीपी बनना है, ग्लाइकोलिसिस होना है, क्रैब्स साइकिल होनी है, ये सारी चीजें जो है, और न्यूट्रिएंट लेने हैं, उन न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होना है, फिर जो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस ब्लड में डालना है, ब्लड उनको किडनी में लेके जाएगा, किडनी की सेल्स जो है उसको सेपरेट करेंगी ब्लड से, फिर उसको यूरिन के थ्रू उसको बाहर भेजना है। तो जहाँ वॉलेंट्री आ जाती है वहां पे तो मैं सीधा सीधा संबंध देख पा रही हूँ, लेकिन जहाँ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है, जहाँ मुझे लगता है कि शरीर की कोशिकाएं पहचानने निर्वाह करने के आधार पर काम कर रही हैं, वहां डायरेक्टली मुझे ये रोल नहीं दिखता कि मैं उस चीज को या सेल्फ जो है उस चीज को नियंत्रित कर रहा है। अभी मैं चाहूं नहीं मतलब इन द सेंस कि मैं चाहूं कि ये कोशिकाएं या ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है ये काम करना बंद कर दे, तो वो मेरे एसच कहने पर नहीं होगा। वो कोई मैं एफर्ट ही कर डालूं कि मतलब चाकू लेके उस ऑर्गन को मतलब हर्ट कर दूं या वो कर दूं तभी वो होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। जी भैया जी, तो अगर पहले पार्ट को देखें तो जो आपने शेयर किया तो वो आपका अभ्यास एक से भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे कुछ काम को करते हुए हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और कुछ काम को करते हुए हम देर तक नहीं थकते, तो उसमें आप पाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि हम स्वयं में समाधानित नहीं है, विचारों में द्वंद्व है, और जब हम पहले तरह का काम कर रहे हैं तो वो द्वंद्व हावी हो रहा है क्योंकि तो हमें स्पष्ट नहीं है इसका प्रयोजन क्या है, क्यों कर रहे हैं, या कहीं भाव का जो आस्वादन हो रहा है वो सही आस्वादन नहीं हो रहा। तो जब हम काम कर भी रहे होते हैं तो बहुत सारा हमारे अंदर विचार चल रहा होता है, उसमें उलझन द्वंद होता है और वो हमें थकाता है, और जब हम स्वयं में थकते हैं तो शरीर पे भी हम बहुत सारा
दबाव बनाते हैं, मेमेंटस का बहुत सारा प्रयोग करते हैं, शरीर से बहुत सारी अनावश्यक हरकतें भी करते हैं, तो इसमें शरीर और जल्दी थक जाता है। परंतु यदि कोई ऐसा काम है जिसका हमें आस्वादन से तृप्ति मिल रहा है, हमारे लाइकिंग का है वो, जैसे आपने कहा बर्ड फोटोग्राफी लेते थे, है ना, तो उसमें जो बाहर संवेदना अब आ रही है उसको हमने सुख से जोड़ा हुआ है, तो पक्षियों का जो दृश्य है ना, जो उसके साथ हम फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींचने के बाद जो दृश्य का आस्वादन हो रहा है, उसमें हमें जो रस मिल रहा है, उस रस को लेते हुए हमें अपने आप में सुख लग रहा है। ये वैसे अभ्यास तो बाहर से कुछ सुख पाने का ही है, परंतु वो जी पूरा भी हो रहा है, अभ्यास भी बना हुआ है, आशा पूरी हो रही है, तो हम नहीं थकते। तो अगर मान लीजिए कहीं हम संबंध में उलझे हुए हैं और किसी संबंध में हमको निर्वाह करना है और कोई कार्य करना है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें घर में भोजन बनाना है उन लोगों के लिए जिनके साथ अभी हमको संबंध स्पष्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो उस काम को कर रहे हैं तो करते करते हमारे अंदर विरोध का भाव भी हो सकता है उत्पन्न हो रहा है ना, इरिटेशन भी हो रहा है, कुछ और भी बातें हो सकती है जी। तो पहले भाग में देखें तो आशा आपको दिखाई देगा, जी दूसरे में जो आपने कही तो उसमें क्या होता है कि जो हम अपने कर्मेंद्रियों से क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे कि हम हाथ से कुछ कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, पैर से कर रहे हैं, इसमें तो हमारा निर्णय हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या जो बिल्कुल ज्ञानेंद्रियों से आस्वादन कर रहे हैं ना, जैसे हमने आंख खोल के देखा, कान से कुछ सुना, तो उसमें भी हमको अपना निर्णय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शरीर में जो सहज रूप से प्राण कोशिकाओं में क्रियाएं हो रही हैं, वो तो प्राण कोशिकाओं में हो ही रही है, उसमें बस हमारी हाँ स्वीकृति बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भोजन लिया हो, जो पूरा आप अभी ना डिटेलिंग कर रही थी, तो भोजन लिया हाँ अगर जी वो हाँ सहज रूप से शरीर में भोजन का पाचन हो रहा है, फिर उसका निष्कासन हो रहा बिल्कुल है। अब हाँ अगर कोई कह दे कि जो भोजन तुमने लिया है ऐसा है ना, उसमें कुछ कंटेमिनेशन है, वो खाते ही शरीर में विष फैल जाएगा, अब आपकी स्वीकृति बदल जाएगी, अब जो भी अंदर गया उसे बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, हमारी स्वीकृति बनी हुई है, इसलिए एक प्रकार से हो रहा है। तो प्राण कोशाओं में तो पहचाने निर्वाह करने के आधार पर क्रियाएं हो रही है, मैं जब उससे जुड़ा हूँ शरीर से, तो एक मानना भी मेरे अंदर बना है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। अगर हाँ लगे कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ चला गया, मुंह में कुछ ऐसा चला गया जो ठीक नहीं है, है ना, वो शरीर को खराब कर देगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, है ना, कि आपको किसी भोजन के प्रति स्वीकृति नहीं हो, मुंह में चला गया, ठीक, अब आप देखेंगे कि उसका पाचन नहीं हो पा, आपको वोमिटिंग जैसा फील होने लगेगा, ठीक, अब आपकी स्वीकृति नहीं होगी, पचे भी, फिर आप बहुत सारा तरीका निकालते हैं कि वो किसी तरह से बाहर आ जाए। तो क्या हुआ है, जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं ये तो हमारी स्वीकृति के साथ ही हो रही हैं, परंतु शरीर में जो पहचान निर्वाह करना है वो हो रहा है, नियमबद्ध तरीके से हो रहा है, उसकी मैंने स्वीकृति दी हुई है, इतना है। दूसरे तरह की इन्वॉलंटरी क्रियाएं हैं जिसमें कि मैं निर्णय भी लेता हूँ परंतु अभ्यास के रूप में, वो महज पहचाना निर्वाह करना नहीं है, जैसे आंखों के सामने कीड़ा आ गया, हाँ ठीक, और हमने तुरंत पलक झपक लिया, या तेज हाँ रोशनी पड़ी हमने पलक झपक लिया, ठीक है ना, हाँ जैसे कोई आहट हुई हमारा सिर घूम गया, ये एक अलग तरह की क्रिया है, इसमें तो मैं निर्णय ले ही रहा हूँ, इसको भी हम इनवॉलंटरी के रूप में कई बार काउंट करते हैं, परंतु अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वहाँ मेरा निर्णय है, ये और बात है, वहाँ निर्णय का है मैं अभ्यास करूँ, बिल्कुल जैसे आंखों को बचा के रखना है ये मेरा निर्णय है, बगल में कोई आहट हुई, कोई ऐसा विस्फोटक आहट ना हो कि हमारे शरीर को नुकसान हो जाए, है ना, तो फिर मैं वहां से हट जाता हूँ, या हमारी एक जिज्ञासा बनी हुई आसपास क्या हो रहा है, जैसे किसी ने कुछ कहा, कोई मोबाइल बजा तो हमारा उधर ध्यान चला जाता है, परंतु वहीं हम हाँ किसी काम में मशगूल हों, ठीक है, कोई बिल्कुल दरवाजे पर बिल्कुल घंटी बजा रहा है और हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इन सारी घटनाओं में आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा निर्णय काम कर रहा है, संवेदना को पढ़ने में भी और शरीर को संकेत देने में भी, ठीक है दीदी। हाँ जी भैया बिल्कुल वो मेरा पिछली बार से जो इसकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो मतलब सेल के लेवल पे या उसके लेवल पे हो रही है उसमें बहुत ज्यादा अटकी हुई थी। तो इस बार भी मैं 4-5 दिन से लगातार जब से ये शरीर और मैं की चर्चा शुरू हुई थी तब से वही वही चल रहा था दिमाग में। तो अभी मतलब वो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई ये। हाँ बढ़िया अब मैं समझ पाई हूँ जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया दीदी। हेलो,
जी नमस्ते भैया नमस्ते, सब भाई बहनों को नमस्ते। भैया मैं ये कह रहा था कि जो भी कल्पनाशीलता चलती है तो वो शरीर संवेदना तक हर कल्पनाशीलता जाती ही जाती है ना। नहीं माने जो भी हमारे मन विचार है या जो कल्पनाएं आए तो उसका शरीर संवेदना तक मतलब आगे जाता है ना। नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो हमारे निर्णय के ऊपर है। जी तो है ना, जैसे हो सकता है कि हम कहीं उलझन में हैं जी और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम हाँ फिर उसमें बहुत सारा मेधा का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि हम भाव के स्तर पर रिजॉल्व कर लेते हैं तो उसमें मेधा के बहुत प्रयोग की जरूरत नहीं है। तो हर कल्पनाशीलता शरीर तक जाए कोई आवश्यक नहीं है। हाँ लेकिन अगर अभ्यास ऐसा नहीं है, मतलब इतना रिजोल्यूट नहीं है, इतना रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो जो मतलब एक बेहोशी की हालत में तो जाएगा ही ना। हाँ, फिर तो हम आप पाएंगे कि फिर हम कहीं ना कहीं आशा के स्तर पे जी रहे होते हैं। ठीक जी है, और आशा के स्तर पे जी रहे होते हैं तो बाहर अनुकूलता बन जाए उसके लिए हम बहुत सारा चीजों पे व्याकुल रहते हैं, हो सकता है। तो जी ऐसी स्थिति में फिर हम शरीर को अनावश्यक रूप से बहुत सारा संकेत देते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी परीक्षा होनी है 10 बजे से, ठीक है ना। अब इतनी घबराहट है अपने अंदर की सांस चल रही है तेजी गति से, पैर हिल रहे हैं, या बाहर कहीं इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। ठीक, अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सांस फूल रही है, प्यास लग रही है ना, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, बार बार पोस्चर बदल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, जो कल्पनाशीलता है उसमें बहुत सारा बेचैनी है, घबराहट है, तो फिर शरीर को बार बार संकेत भी दे रहे हैं। बट वहीं आप पाएंगे, जैसे आप कभी देखिए कि इंटरव्यू होने वाला है ना, और कतार में लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति जो बार बार हरकतें कर रहा है, एक व्यक्ति है जो आंख मूंद के पीछे की ओर टेक लगाए बैठा है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक हाँ है ना, ये व्यक्ति होगा जो बड़े ही जॉली मूड में किसी से बात कर रहा है। तो अब उस पूरी घटना को हम कैसे अर्थ दे रहे हैं, इंटरव्यू होना है तो इंटरव्यू हमारे लिए किस तरह की महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके फल परिणाम से हम कितना प्रभावित होने वाले हैं, है ना, वो हमारे भाव में कहीं ना कहीं तय हो रहा है, विचार में तय हो रहा है। तो अगर हम रिजॉल्व हैं तो आराम से बैठे हैं, रिजॉल्व नहीं है तो शरीर को बार बार संकेत दे रहे हैं, जी ऐसा रहता ठीक है भैया, है। बढ़िया ठीक भैया, भैया नमस्ते। जी जी नमस्ते भैया। ओके। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। अब ये अगस्त 2024 को 23 तक मेरा 2 साल होने को जा रहा है। इसके बीच एक बात मुझे मेरा समझ में नहीं आया कि सेल्फ रहता कहाँ है। सेल्फ जो है हम बताते हैं कि ये बॉडी अलग है, सेल्फ भी अलग है, तो माइंड भी हम नहीं समझते हैं कि ये सेल्फ में रहने की जगह है, तो रहता कहाँ है। कभी कभी आता है ऐसे ख्याल कि हो सकता है ये शून्य में भी रहता है, और जब हम सोचते हैं कि इस शरीर का इस अंग को मैं देखूं तो तब वो आ जाता है, या ये शरीर में कहीं रहता है ये और बाहर रहता है, कहाँ रहता है, बस यही सवाल था। जी, इस जी प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अब सेल्फ कहाँ रहता है कि वो जाइए पूछना शुरू करें, मैं कहाँ रहता हूँ, अच्छा मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक आप कहीं हूँ, अभी इसको देख लें, शरीर जी कहाँ है उसको देख लें, है ना। जी तो शरीर अभी धरती के किसी एक भाग पे, किसी एक बिंदु पे है, ठीक, आप कहाँ हैं, तो आप भी वही है जहाँ शरीर है। अब आप शरीर में हैं कि शरीर के साथ हैं, ठीक ये है ना। शरीर हाँ जी के साथ हैं तो किस प्रकार हैं, ये सब अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ ठीक तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उससे हमें प्रस्ताव स्पष्ट हो रहा है, उसका हम विश्लेषण कर पा रहे हैं, बट शुद्ध दृष्टा के रूप में फिर हमें बिना किसी चीज को माने हुए उसको एज इट इज ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो जैसे ही हम सेल्फ एक शब्द का प्रयोग करके उसको ऑब्जर्व करने जाते हैं तो हमको लगता है कोई थर्ड एंटिटी है, मैं हूँ बॉडी और सेल्फ है, तो ऐसा नहीं, मैं ही सेल्फ हूँ। तो मैं अपने आप में देखूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ,
उसको मैं देखूं अपने आप में। शरीर यहाँ है, मैं कहाँ हूँ? मैं शरीर के किसी एक भाग में हूँ या पूरे शरीर में फैला हुआ हूँ? मैं शरीर का हिस्सा हूँ या शरीर से भिन्न हूँ? मैं शरीर में हूँ या शरीर के साथ हूँ? तो इसको मुझे स्वयं में ही पूछना होगा, स्वयं में ही देखना होगा। और ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, अगर हम इसको देख पाए कि ये मेरे लिए जरूरी भाग है ना, ये समझना मेरे लिए जरूरी है। इसको समझे बगैर आगे चीज नहीं समझ में आएंगी, मैं उसको देखूंगा भी। तो इसमें समय महत्वपूर्ण नहीं है कि 2 साल लगे या 20 साल लगे, महत्वपूर्ण ये है कि अभी ये जिज्ञासा मेरी प्रबल हुई है कि नहीं, मुझे अपने आप में इसका महत्व दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि अभी हम दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी पे आ जाती हैं, बट यदि ये प्रायोरिटी पे आ जाए कि मुझे स्वयं को देखना है, देखकर ही तृप्ति है, क्योंकि मैं ही हूँ स्वयं को देखने वाला और मुझे स्वयं को देखना है, मैं ही दृष्टा भी हूँ, मैं ही दृश्य भी हूँ, इसमें बाधा कहीं और से तो है ही नहीं, मुझे ही स्वयं को देखना है। जो बाधा है वो मेरी ही अपनी बनाई हुई है, मेरे ही अपने संस्कारों में है, मेरी अपनी मान्यताओं में है, मैंने जो वरीयता बनाई है वो हो सकता है उसमें उलट फेर हो गया है। तो अगर मैं इस पर ठीक से काम करूंगा तो देख भी पाऊँ मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस प्रकार हूँ, सब देख पाऊंगा। उसी क्रम में और देखिए तो कभी अभ्यास दो भी हाँ कर रहे हैं कि जी ये जो शरीर साथ मेरा होना है, उसी क्रम में अभ्यास दो भी कर रहे हैं कि जो शरीर के साथ मेरा होना है ना, उसको मैं ठीक ठीक देख पाऊँ। अभी क्या होता है कि जो शरीर से आने वाली संवेदना है उससे हमारा इतना चिपकाव रहता है कि संवेदना को अपने से भिन्न हम नहीं देख पाते। तो धीरे धीरे ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए मैं शरीर को संकेत देता हूँ, संवेदना आती है उसको पढ़ता हूँ, फिर उसमें निर्णय किसका है, ठीक कैसे मैं उसको अर्थ देता हूँ, इन सब को करते हुए जो संवेदना से मेरा चिपकाव है वो ढीला पड़ने लगता है। तो कभी जो कभी शुरू में ही बात कभी कर दी जी, हाँ जी नहीं, कभी कभी ये इसलिए ख्याल भी मैं आता है। थोड़ी हेलो सी जी, हाँ हाँ, हाँ कभी बताएं। कभी ये भी ख्याल आता है कि चलो ये कोई अहम मुद्दा नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, तो बाकी काम करते रहें ऐसा। वही ये जैसे हमने मान लिया ना कि अहम मुद्दा नहीं है, अब उसकी प्रायोरिटी चली गई, गौण हो गया वो, तो फिर हम क्यों देखेंगे? देखिए हम वही करते हैं जिसमें हमको सुख लगता है। जब हमको लगा कि ज्ञान से ही सुख है तो नहीं, फिर जब ज्ञान उत्तर हमने नहीं क्यों मिलता। नहीं बोले? हाँ, देखिए उत्तर भी जब हमको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि तो उत्तर हम बाहर से ढूंढने जाते हैं और हम अभी उत्तर के लिए व्याकुल रहते हैं। मुद्दा जी उत्तर मिलने या न मिलने का नहीं है, मुद्दा तो अपने आप में दृष्टा भाव में स्थापित होने का है कि मैं एक दृष्टा भाव में स्थापित हो जाता हूँ, मैं उसको देखना शुरू करता हूँ, फिर ये भी दिखता है और बाकी चीजें भी दिखती हैं, अस्तित्व भी दिखता है। तो भी क्या होता है कि हमारा ज्यादा अभ्यास आस्वादन के स्तर पे जीने का है, तो मैंने कुछ देखने का प्रयास किया, साथ में आशा लगी हुई दिख जाए, है ना, और हो सकता है बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई है कि वैसे दिख जाएगा जैसे मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, जैसे है ना बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, जैसे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वैसे कोई हाँ दृश्य दिखाई दे जाएगा। वो और बात है, हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कल्पना कुछ अलग ढंग से दिखाई देगा। तो अभी आप पाएंगे कि जिसको अभी हम देखना भी कहते हैं, हो सकता है हमको स्पष्ट नहीं है, हम अभी आस्वादन करने को ही देखना मानते हैं। अब वो आस्वादन नहीं होता, आस्वादन का अभ्यास बना हुआ है, तो फिर निराशा हो जाती है, फिर इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी तो देखना भी क्या है शुद्ध दृष्टा के रूप में, हो सकता है हमको क्लियर नहीं है। अभी हम विचारों में ही देखना मानते हैं, है ना, आस्वादन में ही देखना मानते हैं, इतने भर को उपलब्धि मानते हैं, उसी में हम सुखी दुखी होते रहते हैं, उसी में तृप्त अतृप्त होते रहते हैं। कोई आस्वादन की अपेक्षा थी पूरी हो गई तो तृप्त हो गए, अपेक्षा पूरी नहीं हुई अतृप्त हो गए, विचार पूरा हो गया तृप्त हो गए, विचार अपूर्ण रह गया अतृप्त हो गए। तो ये जो हमारी इच्छा ही बदल जाती है, हमको देखने की इच्छा भी नहीं रहती, क्यों? क्योंकि ये जो आशा के स्तर पर जीने का अभ्यास है, इसके कारण इच्छा प्रबल ही नहीं हो पाती, तीव्र ही नहीं हो पाती। ठीक है भैया, मैं थोड़ा और देखता हूँ उसको। जी, तो इसको हम ये करें कि मुझे स्वयं को देखना है, सेल्फ का मतलब मैं ही हूँ, तो जी मुझे अपने आप को ही देखना, मैं देखूँ अपने आप में मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, इसको देखें।
और इसमें कोई समय को बांधने की जरूरत नहीं है, ये प्रक्रिया ही अपने आप में उपलब्धि पूर्ण है। एक बार मेरे अंदर देखने का अभ्यास हो जाए तो आप पाएंगे कि जैसे हमको देखना देखना शुरू होता है, फिर आगे की चीजें भी दिखने लगती हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने प्रश्न के रूप में फॉर्मुलेट नहीं किया है, वो भी फॉर्मुलेट हो जाता है, वो उसके उत्तर भी मिलने लगते हैं अपने आप में। क्योंकि एक बार जब हाँ जी, वास्तविकता दिख गई है ना, तो उससे जुड़े सारे रहस्य खुल गए, कोई मुद्दा बचा नहीं इसमें, उससे बहुत सारे निष्कर्ष निकल गए। फिर जी बढ़िया भैया जी धन्यवाद आपका। भैया प्रणाम। जी प्रणाम। भैया जैसे मेरी मेरे शरीर को फिट और स्वस्थ रखने की स्वीकृति पूर्णतः बनी हुई है, और मैं मेरा पूरा खाना पीना और दिनचर्या उसी अनुरूप है कि मैं स्वस्थ और फिट रहूं, लेकिन मैं फिर भी मोटे होती जा रही हूँ या पतली होती जा रही हूँ, उसका कैसे रिलेशन हो सकता है मेरी स्वीकृति और मेरे शरीर की प्रतिक्रिया ये अपने आप के से बीच पूछें में? कि मुझे फिट क्यों रहना है, क्या लगता है? अगर आप अपने आप से पूछें मुझे फिट क्यों जी, रहना है, क्या उत्तर मिलेगा? स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। स्वस्थ क्यों रहना है? शरीर को बनाए रखने के लिए, वही क्यों बनाए रखना है? अपना मैं की जरूरत, मेरी जरूरत पूरी करने के लिए, मेरी जो जरूरतें बनी हुई हैं वो पूरी करने के लिए, मेरी ये ज्ञान की अभी जरूरत है या जी अब इसको ऑब्जर्व करें कि ये तो अभी आपने उत्तर दिया है ना, अब इसको जी। ऑब्जर्व करें कि जिस मोमेंट पे कोई मुझे आस्वादन मिलने वाला हो सुविधा से, जैसे जी भोजन है, तो उस समय मेरी प्रायोरिटी क्या होती है, स्वास्थ्य होती है या स्वाद होता है? तो जी हो सकता है मेरी प्रायोरिटी बदल जाती है ना, उस समय हम इतने आगे तक नहीं देख पाते। जैसे इसमें एक दो प्रश्न और बनते हैं अभी, ठीक है ना, बट उतना आगे तक हम नहीं देख पाते। तो हाँ भैया, मेरा भी इसमें हाँ, आगे एक और प्रश्न यही बन रहा था कि मतलब ये भी पता है कि फिट रहना है, लेकिन हम उससे चयन कर लेते हैं कि वो जो स्वाद लग रहा है उसको ज्यादा खा लें या वही तो बेसिकली हम सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, तो जी। हमको लगता है कि शरीर को बनाए रखेंगे, फिट रहेगा तो हम जिएंगे, परंतु तो जी सुख पूर्वक जिएंगे कि नहीं जिएंगे पता नहीं। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि आप आज से उबली चीजें खाना शुरू करिए, है ना, आप तेल मसाला बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ उबाल कर खाइए, ठीक, कोई भी बाहर की चीजें मत खाइए, घर की बनी चीजें खाइए, इससे आप 100 साल जिएंगी, ठीक है ना, फिट रहेंगी। अब आपके जी अंदर देखिए क्या भाव बन रहा है, अब आपको जी लगा अरे क्या करना है 100 साल जी के, जब स्वाद ही नहीं मिलेगा, नीरस हो जाएगा जीवन, तो सुख तो बचेगा नहीं, है ना। क्या है, हम बेसिकली सिर्फ जीना नहीं चाहते, हम सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। अब हमको जब चुनाव करना होता है कि ज्यादा लंबा जीना है या जितना भी जिए सुख पूर्वक जीना है, तो क्या तय करेंगे? सुख पूर्वक जीना है, सुखपूर्वक जीना, सुखपूर्वक और सुख जीना। अगर बाहर से अनुकूल संवेदना पाकर मिल रही है तो अनुकूल संवेदना लेंगे। हाँ, जो क्षणिक सुख जिसमें भी हमें मिल रहा है वो हम उसको चूज कर लेंगे इस तरह का। जी, उसको चूज कर लेंगे। तो जी सर, बेसिकली मानव जो है सिर्फ जीना नहीं चाहता, सुख पूर्वक जीना चाहता है। सारा संघर्ष जीने में इसीलिए है क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, और हमको लगता है सुख दो ही स्रोतों से मिलता है, या तो शरीर से अनुकूल संवेदना से या दूसरे से मिलने वाले भाव से। तो उसके लिए हम संबंध भी खराब कर लेते हैं, शरीर भी खराब कर लेते हैं, है ना, प्रकृति को भी खराब कर देते हैं, समाज को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि बेसिकली हम सुखी होना चाहते हैं और सुख के यही स्रोत लगते हैं हमको। तो इसका समाधान ये है कि मुझे दिख जाए कि सुख का स्रोत क्या है, फिर उसके साथ बाकी सब चीजें खुलने लगती हैं। तो आप पाएंगे जैसे कि अभी कई सारे लोग होंगे वो, जिसको कहते हैं ना फिटनेस फ्रीक है, तो वो बहुत सारा मेहनत करते हैं, सुबह 1 घंटा वो क्या कहते हैं उसको, एरोबिक्स में लगाएंगे, दौड़ भाग करेंगे, जिम करेंगे, ठीक है ना, जुम्बा करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा सुबह भी शाम भी, ठीक। पर उनके खान पान रहन सहन को आप देखें तो दिखता है कि ऐसी चीजें खा पी रहे हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे स्वाद तो मिल रहा होगा है ना, परंतु शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो
तो अभी क्या हुआ कि कहीं से हमने सुना, एक मान्यता बन गई कि सुबह सुबह ये सब करने से शरीर स्वस्थ रहेगा या फिट रहेंगे। अच्छा, फिटनेस का भी पर्पज क्या है? हो सकता है फिटनेस का पर्पज ये हो जाए, मतलब इन जनरल कह रहा हूँ आपके केस में, कि भाई दूसरा हमें देखेगा तो आकर्षक मानेगा, है ना, दूसरा हमारी ओर ध्यान देगा, ठीक है ना, प्रभावित होगा, तो फिर हम दूसरे से अनुकूल भाव पाने के लिए इसमें लगे हुए हैं। जैसे आज के दिन एक ट्रेंड बन गया है ना, जेंट्स के लिए देखें तो एक तरह का ट्रेंड बना हुआ है कि बॉडी ऐसा होना चाहिए, मस्कुलर और बिल्कुल सिक्स पैक एब्स, 8 पैक एब्स, है ना। और दूसरे जेंडर में देखें तो कुछ और बना हुआ है मान्यता के रूप में, क्यों? ताकि दूसरे से अनुकूल भाव मिले। हम भले ही 50 के हों पर देखने में हम 30 के लगे, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी क्या हो गया, ये दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुख की आशा बनी हुई है, और उसके लिए हम बहुत सारा फिर मेहनत कर रहे हैं, बट सुख की आशा पूरी भी नहीं हो रही, क्योंकि हम निरंतरता चाहते हैं। तो फिर हम यही उलझन में आ जाते हैं। जबकि अगर आप देखें कि अगर मुझे शरीर साधन के रूप में दिखाई दे तो मेरे अंदर संयम का भाव बना रहता है, संयम के भाव के साथ शरीर स्वस्थ रहता ही है इन जनरल। अगर बाहर कुछ बहुत प्रतिकूलता हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इन जनरल जो है शरीर स्वस्थ बना रहता है। देखिए, जी बिल्कुल अगर हम संयम के भाव की बात करें तो आहार विहार, है ना, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम और औषधि चिकित्सा, ये 8 तरह के कार्यक्रम दिखाई देते हैं। आहार को ही ठीक कर लीजिए, वही खाइए जो स्वास्थ्य के अर्थ में है। तो शरीर में जो आपने डाला वो मेजर सोर्स है बीमारियों का, जो हम शरीर में डालते हैं। तो शरीर तो ऐसे ही स्वस्थ बना रहता है क्योंकि हमने सही चीजें डाली हैं शरीर में, ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार, भूख के अनुसार, है ना, शरीर का जो सदुपयोग करें उसके अनुसार। अब हम श्रम नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे हैं कुर्सी पे और 3 टाइम हम भरपेट खा रहे हैं, तो 10 तरह की बीमारियां होंगी कि नहीं? वैसे ही हमारा विहार ठीक नहीं है, सोना जागना चलना फिरना वॉकिंग नहीं करते हम, है ना, और शरीर से श्रम नहीं करते, तो शरीर अपने आप धीरे धीरे बिगड़ लेता है। तो ये आहार विहार श्रम को अगर ठीक कर लिया जाए ना, तो आप पाएंगे बहुत सारा जुगाड़ की जरूरत नहीं है शरीर के लिए। तो अभी हम श्रम को चलो एकदम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। शहरी अगर देखें आप, तौर जी तो तरीका जो बन गया उसमें श्रम तो अवसर ही कम हो गया है। भैया, जी तो बिना बिना हमारी स्वीकृति के भी मोटा पतला नहीं होता शरीर, उसके कोई कारण ही बनते हैं। जैसे यही आप कह रहे हैं कि जैसे हम 3 टाइम हमें भोजन करने की हमारी मान्यता बनी है कि हमें 3 टाइम भोजन करना ही करना है, या शरीर को उस टाइम पर भूख लगती ही है, और आश्रम हमारा हो नहीं रहा है उस अकॉर्डिंग, इसलिए वो थोड़ा स्थूलता की तरफ जा रहा है शरीर भाई, अभी ये भूख को भी ऐसा। हम ठीक से स्टडी करेंगे ना, तो शरीर की आवश्यकता है या हमारा अभ्यास है, क्या है इसको ठीक से अभ्यास, देखो। हाँ जी 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 भैया, जी भैया, अभ्यास है वही शरीर हम को बोल रहे हैं भोजन की आवश्यकता भी नहीं है। जी। अभी ऐसा होने लगा है कि धरती पे एक भाग आबादी का वो है जो भोजन के अभाव में अस्वस्थ हो रहा है, एक बड़ा भाग अब वो हो गया है जो अत्यधिक भोजन के कारण अस्वस्थ हो रहा है। नहीं, तो जी भैया, इस जी संवेदना भैया, को ठीक से अध्ययन करेंगे ना, तो शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव और ठीक से पुष्ट होगा हमारे अंदर। ये जो हम संवेदना से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और उसको हम ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं और निर्णय ले लेते हैं, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, ठीक, ऐसा कोई नियम नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, परंतु फिर भी पेट भरने के बाद ढकार आता है तो हमको संकेत देता है शरीर के भोजन पर्याप्त हो गया है, अब जरूरत नहीं है। बट यदि उसके ढकार के बाद ही 2-3 आइटम सामने से आ जाए तो हम उसको ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना कि नहीं ऐसा हो जाता है। बढ़िया दीदी, बढ़िया भैया, धन्यवाद भैया। तो स्टेप 3 में अब हम इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि निर्णय कौन लेता है शरीर को संकेत देने का या संवेदना को पढ़ने का। तो संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर? इसको मैं कहूंगा कि सुतुरंत कंक्लूड मत करिए। जैसे जितनी हमने चर्चा की उससे हम विचार में एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हाँ मैं ही लेता हूँ, परंतु इसको तुरंत कंक्लूड मत करिए। वो सारी घटनाओं फिर से देखिए, जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लगती हैं ना, जो वॉलंटरी एक्टिविटीज लगती हैं, ठीक, जो
अभ्यास के तहत हम करते रहते हैं, जो कई बार नए सिरे से विचार करके करते हैं, उन सब में देखिए संवेदना को पढ़ने का भी निर्णय कौन लेता है। तो शरीर को संकेत देने का निर्णय मैं लेता हूँ, संवेदना का पढ़ने का भी निर्णय मैं ही लेता हूँ। जिस संवेदना को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसे पढ़ने का निर्णय लेता हूँ। सूचनाओं के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह से मेरा है, इसको अब ओपनली ऑब्जर्व करना है ना, इसको तुरंत कंक्लूड नहीं करना है। तो हो सकता है ये जितने दिन तक आप इसको ओपन रख के ऑब्जर्व करेंगे है ना, उतना ज्यादा आपका ऑब्जर्वेशन शार्प होगा, सूक्ष्म होगा। तुरंत कंक्लूड करने से हो सकता है एक मान्यता बन जाए, तो इसको बिल्कुल है ना, हर एक घटना में, हर एक अवसर पर इसको अपने आप में ऑब्जर्व करिए। तो आपको दिखाई देगा कि आवश्यकता अनुसार इस आदान प्रदान को मैं करता हूँ, सामयिक रूप से मैं इस काम को करता हूँ, निरंतर नहीं। मैं शरीर को जैसा संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है, मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूँ, साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। इसको अपने आप में अब देखना है, इस निर्णय वाले भाग को देखना है। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने अभ्यास 1 के स्टेप 4 में इस काम को किया था, निर्णय वाले भाग को देखने के लिए कि भाव का निर्णय किसका है। वैसे ही अब संवेदना को पढ़ने का या संकेत देने का निर्णय किसका है, इसको देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसको है ना, जितना बिना कुछ माने हुए है ना, बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर हम इसको देखें, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, पैर पे मच्छर बैठा और हमने हाथ से उसको भगा दिया, ये अपने आप हो गया या मेरा निर्णय था। सामने नाली की बदबू आई और हमने तुरंत रुमाल निकाल के नाक पे रख लिया, ये अपने आप हो गया कि निर्णय था मेरा। कोई दृश्य सामने दिखा और बहुत ही विभत्स लगा और हमने अपना सर घुमा लिया, ये अपने आप हुआ कि मेरा निर्णय था। जोर की आवाज आई और हम वहां से हट गए, भागे, पैर चल रहे हैं, फिसलन थी फर्श पे, फर्श बहुत चिकना है और हम गिरने को हुए, ठीक, और हमने तुरंत बॉडी के पोस्चर को बदला ताकि बच जाए, हाथ नीचे की ओर किया ताकि चोट ना लगे ज्यादा। ये गिरते गिरते संभलने का जो प्रयास है, ये अपने आप हुआ या मेरा निर्णय था। इन सारी स्थितियों में अपने निर्णय को हम देखने का अभ्यास कर सकते हैं कि कोई निर्णय भी हो रहा है या अपने आप हो जा रहा है, ये मैं कर रहा हूँ या शरीर कर रहा है। तो एक संभावना तो यह है कि हमको लगे शरीर करता है सब, दूसरी संभावना यह है कि मैं करता हूँ, तीसरी संभावना कुछ और भी हो सकती है कि है ना, इसमें निर्णय तो पता नहीं किसका होता है, परंतु मिलजुल कर कुछ क्रियाएं हो जाती हैं। अब इन सब संभावनाओं को ओपन रख के देखिए कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। इसको करने का उपकार ये है कि आपको अपना कर्ता भाव ठीक से स्पष्ट होगा। तो जैसे उन्होंने शुरू में बात की थी कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो मैं किस प्रकार करता हूँ, करने वाला हूँ, निर्णय लेने वाला हूँ, तो भाव का निर्णय भी मेरा, शरीर के साथ निर्वाह का भी निर्णय मेरा। अगर मूल रूप में ये बातें मुझे स्पष्ट हो जाए तो आगे की जितनी भी भागीदारी हम कर रहे हैं, संबंध में, व्यवस्था में, शेष प्रकृति के साथ, उन सब में हमको अपना निर्णय स्पष्ट रहता है। आप पाएंगे इसके कारण आपका जो शरीर का रख रखाव है वो काफी बदल जाएगा। अभी शरीर से जो हम अनायास बहुत सारी हरकतें करते हैं उसकी है ना, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे हो सकता है हम बैठे हैं, बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, क्यों हिला रहे हैं हमें स्पष्ट नहीं है, हमको दिखे कि मेरा निर्णय है, फिर हम पूछेंगे अपने आप से ये पैर क्यों हिला रहा हूँ मैं, तो हो सकता है अंदर कोई घबराहट है, उसका स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कोई सामने दृश्य दिखाई दिया और तुरंत संवेदना जागृत हुई, अब हम उसको देख सकते हैं कि संवेदना कैसे जागृत हुई, इसमें मेरा निर्णय था या नहीं था, आंखों में दृश्य गया, शरीर में उसका प्रभाव बना, ये अपने आप बन गया या उसमें मेरा निर्णय था। तो ऐसे हर तरह के अवसरों पर मैं इसको ठीक से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इसको ओपनली ऑब्जर्व करें है ना, निष्कर्ष को अपने आप निकलने दें, मानकर शुरू ना करें। जी भैया, नमस्ते नमस्ते सभी को। भैया, जी
जब हम लोग जो विश्वास की बात करते हैं, लाइक फेथ की बात करते हैं, तो वो निर्णय भी जो होता है कि मेरा ये विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, कि कोई भी कार्य हो सकता है जो जो बहुत मैंने ऐसे हो सकता है कि मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लगता हो, बट एक बार मुझ में ये आ जाता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ और मैं वो कर लेती हूँ। तो भैया, इसमें ये जो विश्वास का भाव है और ये जो आत्मविश्वास है, ये भी, ये क्या हमारा सेल्फ का डिसीशन होता है, या इट इज अगेन समथिंग जो कि हमारे लाइक इट्स अगेन इनेट टू अस, कि अगर हम ऐसा सोचते हैं वो वैसा ही हम कार्य करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा अपने को स्टडी करना पड़ेगा कि अभी हम स्वयं में विश्वास को क्या कहते हैं, किसे स्वयं में विश्वास कहते हैं। तो अगर हम अपना राइट इवोल्यूशन कर पाते हैं तब तो वो स्वयं में विश्वास है, अदरवाइज वो किसी अन्य प्रकार का भी हो सकता है ना। स्वयं का अधिमूल्यन कर लिया तो भी ऐसा मान सकते हैं। हमको कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है और उस कार्यक्रम को हमने उसका स्किल सीख लिया तो भी ऐसा मान सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो हम सब में पोटेंशियल तो है ही, सही को समझने का, सही को जीने का। तो जितना जी हम कॉम्पिटेंस डेवलप कर पाते हैं और उसका ठीक ठीक इवैल्यूएशन कर पाते हैं उतना हमारे अंदर विश्वास बनता जाता है। और यदि वो हम अभी पूरा नहीं कर पाए तो उतने को लगता है हमारे अंदर शंका भय रहता है। तो अभी हम विश्वास को किस स्तर पे देख रहे हैं, ये भी एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखकर विश्वास का मूल्यांकन कर रहे हैं स्वयं विश्वास का, या किसी स्किल को लेकर। जी तो जैसे हम स्टेज पे चढ़ के कोई वक्तव्य दे सकते हैं, अब उसमें आप देखें तो एक स्किल भी हो सकता है और हमारी समझ भी हो सकती है। जैसे अगर हमें संबंध में विश्वास है तो स्टेज पे चढ़ के कोई बात कहनी हो तो घबराएंगे नहीं, हाँ इतना जरूर मूल्यांकन कर लेंगे कि अभी हमारी ना बोलने की योग्यता है कि नहीं, उसका जरूर मूल्यांकन करेंगे, अधिमूल्यन तो नहीं कर रहे। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमको स्वयं में कॉम्पिटेंस नहीं है और हम उसको स्किल अक्वायर कर लिया है और उसको हम हठपूर्वक पूरा करने जा रहे हैं, जी तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अधिमूल्यन को विश्वास मान लें। तो ये सब अपने आप में जांचना होगा। तो अल्टीमेटली देखें तो वो कॉम्पिटेंस हो या स्किल हो, है तो सेल्फ में ही, और मैंने जो उसको अर्जित किया है अपने निर्णय से ही अर्जित किया है, तो जी उसमें निर्णय तो शामिल ही है निश्चित रूप से, बट उस स्वयं में विश्वास है कि नहीं है वो आकलन का मुद्दा है। जी नहीं, जैसे ये हो जाए कि भाई 10 लोग भी सामने से आ जाए देख लूंगा, निपटा दूंगा सबको, अब ये कोई स्वयं में विश्वास नहीं है कि नहीं जी तो हमें देखना होगा कि विश्वास किसको कह रहे हैं। जी भैया, और एक बात, जैसे इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, ये जो विश्वास होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमको माने भगवान पर विश्वास है इसलिए हम ये कार्य कर लेते हैं। जैसे माने लेट मी टेल यू इन इंग्लिश वन लाइन, कि इफ यू हैव फेथ इन गॉड थिंग्स विल फॉल इन राइट प्लेसेस। तो इस तरह की भी जो मान्यता बनी हुई है, तो ये क्या हम इसको अपना लाइक ऐसे जैसे कंडीशन, प्री कंडीशन माइंड सोचेंगे, या ये भी कुछ एक मैंने जो कॉम्पिटेंस की बात आप कर रहे हैं, या हमारा जो अंधविश्वास भी हम इसे कह सकते हैं, तो भैया हम इसको किस तरह से ले। वही तो देखिए, ये स्वयं में विश्वास तो नहीं हुआ पहली बात जी जी है ना। दूसरी बात, जब हम भगवान शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं तो हमने समझा है क्या, या कोई आस्था मात्र है, कोई मान्यता है जब जी विश्वास शब्द बोलते हैं तो उसको कई प्रकार से हम अपने आप में इसको अर्थ दे सकते हैं। जैसे एक ट्रस्ट हो सकता है, एक जी फेथ हो सकता है, एक जी कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक डिपेंडेबिलिटी हो सकता है। जी जैसे मुझे विश्वास है कि मैं चौथे मंजिले पे सीढ़ियों से चढ़ के जा सकता हूँ, जी अभी इस तरह का हुआ है ना। तो अल्टीमेटली हम विश्वास जब कह भी रहे हैं तो है क्या, मूल मुद्दा उसमें राइट इवैल्यूएशन का है, जी और ये जी कोई बाह्य स्रोत बना हुआ है और उसके आधार पर हमारे को विश्वास है जिसको हम विश्वास कह रहे हैं, और वो बाह्य स्रोत पे जो हमारा डिपेंडेंस था वो पूरा नहीं हुआ तो फिर हम अविश्वास में चले जाते हैं। हाँ नहीं। तो ऐसे तो आप जी देखें भाई फिल्मों में ना, जी बहुत सारे ऐसे प्रकरण दिखाते हैं।
कि नाराज हो गए, हाँ मानसून जी नाराज जी हो गए, तो जी तो उसको तो स्वयं में आकलन करने की जरूरत है। जी और वही चीजें कभी कभी स्टूडेंट्स में, स्कॉलर्स में भी आ जाता है कि अगर हेल्प किया है सही तरीके, कभी उनके हिसाब से तो उन्हें लगता है कि हाँ अब ठीक है, और अगर वही चीजें थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो देन अगेन एक डिसीजन ले लेते हैं कि नो नो दिस इज नॉट वर्किंग, इस तरह से नहीं होगा। सो वही तो ऐसे सब ही एजम्पशन ही है, फिर ये सब एजम्पशन है, जी जी जितने भी जी आपने उदाहरण कहे है ना, अगर उसको देखें तो सब बिल्कुल एजम्पशन है। तो जी। विश्वास देखें तो स्वयं में विश्वास, संबंधों में विश्वास है ना, व्यवस्था में विश्वास। तो स्वयं में विश्वास का मतलब ये हुआ कि मुझ में वो क्षमता है कि मैं अस्तित्व समग्र को जान सकता हूँ और उसके आधार पर जी जी सकता हूँ, ये स्वयं में विश्वास हुआ। जी संबंध में विश्वास क्या हुआ कि मैं जी दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है। व्यवस्था में विश्वास क्या हुआ कि पूरा प्रकृति एक व्यवस्था है, ठीक, उसके प्रति मेरे अंदर कोई शंका भय नहीं है, ये व्यवस्था में विश्वास हुआ। जी बढ़िया दीदी, थैंक यू भैया, नमस्ते, थैंक यू सो मच। जी नमस्ते भैया, मेरा नमस्ते। एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जब मैं ये एक्सरसाइज 2 कर रहा हूं तो जो मेरे पास जो संवेदना आ रही है ना, जैसे मैं बैठ गया और पंखे की हवा जो मेरे पैर पे लग रही है तो वो मेरे तक पहुंच रही है ना, उसकी सूचना जैसे कहा जा रहा है वो पहुंच रही है, तो इस सूचना में और मेरे भाव विचार में मैं फर्क अलग कर पाता हूँ, लेकिन जैसे ये पंखे की हवा मेरे पैर पे लग रही है तो उसके साथ मैं एक चित्रण भी तो बनाता हूँ कि ये हवा है पंखे की और ये मेरे पैर पे लग रही है, तो मतलब ये दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं ना, मतलब मेरे पास वो सूचना भी आ रही है उसके साथ मेरी कुछ मिक्सिंग भी है, क्या ये सही मैं सोच रहा हूँ या इसमें कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ? तो देखिए सूचना तो आ ही रही है ना, और जैसे पंखा आपने चलाया तो आप पंखे घूमते हुए देखते भी हैं, हवा का जो आस्वादन हुआ, हवा का जो स्पर्श हुआ पैर पे, उसका आप आस्वादन भी करते हैं, तो आप आंखों से, त्वचा से बहुत सारा आस्वादन भी कर रहे हैं, फिर उसको कुछ अर्थ भी दे रहे हैं। तो ये तो है, जब अर्थ दे रहे हैं तो उसमें आप अपनी तरफ से अर्थ दे रहे हैं उसको, ये तो ठीक ही बात है। जैसे आपने पंखा चलाया है ना, और अभी तुरंत विचार आ जाए कि पिछले महीने बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया था, खिड़की खोलो ज़्यादा अच्छा है, तो अब आपको भले ही गर्मी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं भाई खिड़की खोल के बैठना ज़्यादा ठीक है ना, इन लोगों ने बिजली का चार्ज बहुत बढ़ा दिया है, तो हम फिर पंखा बंद करके बिजली खिड़की खोल लेते हैं और फिर उससे हम शरीर को ठंडा देते हैं। तो जो भी संवेदना मुझे बाहर से आती है उसको हम अर्थ तो देते ही रहते हैं। तब भैया इसमें एक फिर एक समस्या है, इसमें एक समस्या ये है कि फिर तो मैं जो भी मतलब दे रहा हूँ वो, यानी कि जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, दिखना मतलब जो कुछ भी मैं समझ रहा हूँ या जो कुछ भी है, उन सब चीजों को मतलब अगर मैं ही दे रहा हूँ तो अगर मेरी देखने में कुछ सही नहीं देख रहा हूँ, मिलावट है, तो सारा ही मैं कुछ गड़बड़ सड़बड़ समझूंगा ना। बिल्कुल, यही तो सारी समस्या है। तो जब हम अर्थ देते हैं अपने संस्कारों से जोड़ कर देते हैं, और यदि ये संस्कार सही समझ पर आधारित नहीं है तो उल्टा सीधा अर्थ देते हैं, तभी तो हम इन दो चीजों में फंस जाते हैं कि सुखी होने का स्रोत क्या बना, फिर तो अनुकूल संवेदना बना या दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव बना, वहां हम फंस जाते हैं फिर। तो है ही, अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो अपने आप से पूछेंगे कि हमने क्या समझा अभी तक, मैं को समझा है क्या, यानी चैतन्य को समझा है क्या, तो नहीं समझा, जड़ को समझा है क्या, तो नहीं समझा, शून्य को समझा है क्या, तो नहीं समझा, तो अभी नहीं समझा है। इन किसी तीनों को तरह अनजानता की कह रहे हैं आपकी, हाँ नहीं समझा है, बट ये कि जीना हो जा रहा है, क्योंकि शरीर के साथ जो पहचाना निर्वाह करना है उसके लिए जितना मानना है उतना फिट बैठ जा रहा है। तो एक पशु भी शरीर चला लेता है, हम भी चला लेते हैं, ठीक, कल्पनाशीलता को जोड़कर हम उससे कुछ ज्यादा कर पाते हैं, इतना ही भर कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बढ़िया, ठीक है भैया। भैया अभी आपने इससे पहले दीदी को विश्वास 3 उसमें बताए थे, एक संबंध का विश्वास, एक स्वयं में विश्वास और एक व्यवस्था में विश्वास,
एक बार प्लीज उसको रिपीट कर देंगे क्या? एक साथ मिल गया ना इसके पूछते, बाकी भाई मेरे प्रश्न का स्वयं तो उत्तर हो गया। स्वयं में विश्वास, संबंधों में विश्वास, व्यवस्था में विश्वास, कि प्रकृति व्यवस्था है, ये विश्वास हमको हो जाता है। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, जी, पहुंच रही भैया, पहुंच रही। उसका आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। तो अभ्यास रूप में ये हम लोग स्टेप 3 शुरू किया है। इस निर्णय करने वाले पे ठीक से स्पष्ट होगा और अपनी जिम्मेदारी भी दिखाई देगी। तो जैसे हमें वहां दिखा था कि मेरा भाव मेरी जिम्मेदारी है, इस तरह से मैं 100% अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हूँ। यहाँ ये भी दिखाई देगा आपको ना कि ये जो शरीर से जो भी सूचना ले रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, वो 100% मेरी जिम्मेदारी है। तो शरीर के साथ जो मेरा निर्वाह है वो 100% मेरी जिम्मेदारी है। इस निष्कर्ष में हम पहुंच सकते हैं, तो इसको हमको अभी करते रहना है। ठीक है, आगे हम लोग और इस पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं दीदी।